अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का दिन ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। आज थोड़ा सा लेट निकला हूँ, 10:30 हो गए हैं और इस वजह से लेट निकला हूँ क्योंकि सुबह क्लासेस नहीं थी। और तकरीबन क्या कहते हैं उसे, वैसे जो डेली है ना वो सुबह 8 बजे जो है वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, बट एक मंडे वाले दिन सुबह 8 बजे होती हैं, फिर ट्यूसडे को क्लासेस नहीं होती और वेनसडे को जो है वो 11 बजे क्लासेस होती हैं। तो आज 11 बजे क्लास थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट निकला, घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकला हूँ। और वापसी पे इंशाल्लाह फिर गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है वो पेंट भी करवाना है और जो बाकी थोड़े मोटे काम है वो करवाने हैं इंशाल्लाह। तो मैंने कहा व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लेते हैं कि एक थोड़ा सा बड़ा व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोगों को थोड़ी सी यूनिवर्सिटी भी अगर हो सका तो इंशाल्लाह उसको दिखा दूंगा। तो बाकी अभी गाड़ी की हालत वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग, गंदी हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा, अंदर इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, मट्टी मट्टी हुआ है। तो इंशाल्लाह पेंट हो जाए एक दफ़ा, फिर 2-4 दिन उसको आराम से सूखने का टाइम देंगे ताकि पेंट सही से आराम से बैठ जाए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं उसे, इसको प्रॉपर किस्म का जो है वो जाके वाश करवाएंगे ताकि क्या कहते हैं उसे, ये सारी जितनी भी धूल मट्टी वगैरह है या मैल वगैरह है वो सारी साफ़ हो जाए। तो वैसे अभी जो अस्तर लगाया था, अस्तर के साथ भी गाड़ी जो फ्रंट से है वो क्लीन क्लीन लुक दे रही है क्योंकि पहले जो था ना वो स्पॉट्स वगैरह थे गाड़ी के ऊपर तो वो काफ़ी गंदे लगते थे। तो ये है कि अभी माशाल्लाह क्लीन लुक दे रही है और ये कोशिश करेंगे इस बम्पर को साफ़ करके रखें, अब गंदा ना हो ताकि फिर पेंट ना करवाना पड़े, या फिर क्योंकि पेंट बंदा इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करवा सकता तो इसको ऐसे सेव करके रखेंगे ताकि फ्रंट से जो गाड़ी की लुक है वो अच्छी बनी रहे। और अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, आप लोगों को आज का दिन दिखाते हैं इंशाल्लाह, बने रहें ब्लॉग में, इंशाल्लाह मज़े का ब्लॉग होगा। पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह की नई वीडियोज़ भी बनाता रहूँ मैं। सो जी टाइम हो रहा है 3:44 का शाम के और क्या कहते हैं उसे, अभी मैं निकला हूँ जस्ट यूनिवर्सिटी से, 3 बजे मैं फ्री होना था और थोड़ी कुछ असाइनमेंट और जो हमें एक टास्क मिला था उसकी कोई डिस्कशन वगैरह करनी थी तो उसमें थोड़ा टाइम मिल गया था और एक सऊदीया का फ्रेंड मुझे मिल गया था तो उससे कुछ गपशप वगैरह लगाई है। तो अभी मैं जस्ट निकला हूँ यूनिवर्सिटी से और इसके बाद चलते हैं सीधा मैकेनिक के पास जिससे हमने गाड़ी पेंट करवानी है, गाड़ी पेंट करवाने के लिए देते हैं ताकि ये जल्दी से अच्छी लगे और फ्रेश लुक हो जाए और आज पेंट करवा के छोड़नी है कि फाइनल लुक बस निकल आए इंशाल्लाह इसकी, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया हूँ और एक सेकंड में शीशा बंद करें, तो यूनिवर्सिटी से मैं फ्री हो गया हूँ इंशाल्लाह, अब चलते हैं बस और चल की गाड़ी पेंट करवाते हैं। 2000 years later सो जी अभी हो गया है नेक्स्ट दिन और कल मैंने व्लॉग शुरू किया था कि मैं पेंट करवाने जा रहा हूँ, बट ये है कि कल जब मैं गया उस शॉप के ऊपर उसी मैकेनिक के पास, तो पेंटर के पास, तो उसने मुझे कहा कि यार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं तो आप एक काम करो कल किसी टाइम आ जाओ। एक तो इस काम में ये बड़ा मसला है कसम से, बंदा टाइम निकाले तो अगले के पास टाइम नहीं होता, अगला टाइम निकाले तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो आज सुबह जब मैं, उसने मुझे कहा कि आज फिर आज आ जाना ना, मतलब कल आ जाना ना, तो कल फिर मैं बस क्या कहते हैं उसे घर चला गया था। फिर आज सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त मैंने वापसी पे आते वक्त मैंने फिर से उसको कॉल किया, मैंने कहा यार क्या सीन है आऊँ, तो उसने कहा कि यार अभी तो मैं फिर काम पे गया हूँ, मतलब किसी और काम पे ना, तो क्या कहते हैं उसे ना आप एक काम करो जब मैं आपको कॉल करूँ ना तो आप तब आना। अब तकरीबन 4 बज रहे हैं और उस वक्त मैंने 12:30 बजे के करीब उसको कॉल की थी ना, उसने कहा था मैं 2-2.5 बजे तक आपको कॉल करके बुला लूँगा, अभी 4:11 हो रहे हैं और उसने कहा अभी भी आहिस्ता आहिस्ता आप आओ तो उसके बाद जो है वो मैं आप दुकान तक पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ इधर से। तो देखते हैं, खैर ये अल्लाह करे खैर से पेंट हो जाए, अच्छा पेंट हो, बस मैं इसी वजह से हूँ कि जल्दी ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर रहा, उसको नहीं कह रहा कि यार जल्दी फ़ौरन मारो पेंट, असल में रात के टाइम अगर करो तो थोड़ी सी ठंड, असल में सर्दियों वाला मौसम शुरू हो गया थोड़ा सा, तो अगर पेंट करवाया ना शाम के बाद तो ये पेंट फिर बाद में फूल जाएगा और फिर मतलब दोबारा ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिन में हो जाए धूप में ना तो अच्छा है, फिर पूरा दिन फिर गाड़ी धूप में खड़ी रहेगी, सूखती रहेगी, पेंट सूखता रहेगा। तो बट ये है कि अभी देखते हैं, चलते हैं उसके पास, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देते हैं कि क्या होता है, अल्लाह करे पेंट हो जाए अच्छा सा और आप लोगों को अपडेट देते हैं और चलते हैं। थका हुआ मैं असल में यूनिवर्सिटी से आया था तो सो गया था, तो फिर उसकी कॉल आई तो फिर मेरी आँख खुली है, तो अभी चलते हैं यार देखते हैं, थोड़ा सा बहुत खपाई वाला काम है कसम से ये।
यार जी पेंट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और पेंट सही है, मतलब अच्छा सा किया है। उसमें थोड़े से फिलहाल स्पॉट्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह वो कह रहे थे कि कटिंग क्रीम पे सही हो जाएंगे, बट ये है कि मैं असल में एक टेंशन में फंस गया था, फिर मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि क्या कहते हैं उसे ना, क्या हो गया, क्या हिसाब किताब है। तो मैं आप लोगों को अभी फाइनल लुक दिखाता हूँ, और अभी मैं आया हुआ हूँ जो बैक, जो अपनी रिवर्स लाइट होती है ना अपनी गाड़ी की ना, बैक लाइट होती है, उसके अंदर एक रिवर्स लाइट होती है, एक इंडिकेटर होता है, उन दोनों को स्मोक का पेपर चढ़वाने के लिए आया हूँ, ठीक है, वो थोड़ी अच्छी लुक देते हैं, ठीक है, तो वो करवाने आया हूँ। और फिर इसके बाद अगर हो सका, पैसे हुए मेरे पास, ये असल में इनके पास इजी पैसा नहीं होता, कैश अगर ये कैश तो है मेरे पास, अगर हुआ तो इनसे ना पार्किंग बल्ब लेने मैंने, तो वो लेंगे इंशाल्लाह, वो लेके लगाएंगे फ्रंट पे। और फिलहाल बैक वाली स्क्रीन स्मोक करवाते हैं, और मैं आप लोगों को फ्रंट वाला जो बम्पर है ना वो दिखाता हूँ एक मिनट। फिलहाल गाड़ी गंदी बहुत हुई हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड धुलवाऊंगा, अभी इस हफ्ते ये ना प्रॉपर किस्म का सूख जाए ना, उसके बाद इंशाल्लाह। ये देखिए जी फाइनल ऐसी लुक निकली है, बहुत प्यारी सी, मतलब ये है कि उसने शाइनर जब मारे ना, ये थोड़े थोड़े से ये स्पॉट्स हैं ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो ये आई होप कि अल्लाह करे सही हो जाए। और वो कह रहे थे कि ये कटिंग क्रीम करवाएंगे ना इसको, तो वो जो है वो ठीक हो जाएंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। आप लोगों को उस तरफ से भी दिखा देता हूँ, ये नंबर प्लेट वाली जगह भी सही से पेंट हो गई है, थोड़ा सा साइड पे होंगे एक मिनट, इधर से भी, इधर भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्पॉट्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कटिंग क्रीम करवाएंगे ना और कलर भी मैच कर जाएगा बाद में। सो जी बम्पर वगैरह पेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बम्पर वगैरह पेंट हो गया, मैंने स्पॉयलर भी पेंट करवाना था ना, बट वो ये पड़ा हुआ है, तो इसको फिलहाल हम एक काम करेंगे कि इसको ना हम ब्लैक में अगर हो सका ना इसको रैप करवाएंगे, और फिर इंशाल्लाह पीछे लगवाएंगे, तो ये जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा ना। तो जो स्पॉयलर है वो मैंने, स्पॉयलर जो है वो मैंने पेंट नहीं करवाया, और बम्पर पेंट हो गया, असल में ये टाइम ही बहुत ले रहे थे, अभी कह रहे थे 2 दिन बाद और आए आप तो स्पॉयलर आपको पेंट हुआ वो मिलेगा और रख के छोड़ दें, तो बंदे को और 100 काम होते हैं, तो बंदा ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता ना, मैं छोड़ के जा नहीं सकता था, तो बस फिर मैंने डिक्की में डाला और मैंने कहा बस निकलो। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, तो क्या कहते हैं उसे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो अभी पेंट हो रहे हैं अपने से, जिसके ऊपर स्मोक वाला पेपर जो लग रहा है। तो ये काम एक दफ़ा हो जाता है तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ कि किस तरह की बनी है, मैंने कहा इधर से निकल ही रहा हूँ तो इनसे करवा लेता हूँ काम, तो अच्छा हो जाएगा, तो ये काम करवाते हैं इंशाल्लाह, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक निकली। तो जी ये पहले ऐसे दिख रही थी और अब ऐसे दिख रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें परफेक्ट, ठीक है जी कर दें दूसरी भी कर दें। तो जी लाइट्स स्मोक हो रही हैं, एक रह गई है, बाकी स्मोक हो गई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं यार, कसम से बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह क्या लुक निकली है। अब असल में ये जो है ना ये इस नंबर प्लेट के साथ मैचिंग कर रही है, और स्पॉयलर जो है ना वो मैं ब्लैक इसलिए करवाने का सोच रहा था क्योंकि ये जो है ना एक ये भी थीम बन रही है और उसके साथ ब्लैक टच मिलता ना, और ये जो नीचे वाली जगह देख रहे हैं ना ये भी अगर ब्लैक हो जाए ना तो ज़बरदस्त किस्म की लुक निकल आएगी। इधर से आप लोग देखें ना, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, ये देखें ये रिवर्स लाइट है, ये इंडिकेटर लाइट है, ये नंबर प्लेट ब्लैक ओके ना, और उसके बाद स्पॉयलर ब्लैक और इधर ये ब्लैक, तो अगर मेरे पास कोई इमेज वगैरह पड़ी हुई ना इसकी तो इंटरनेट से मैं ढूंढ के आप लोगों को ज़रूर इधर जो है ना वो कहीं कहीं पे आप लोगों को लगा के ना ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरह की लुक निकलती है, नहीं तो क्या कहते हैं उसे ना अगर हो सका तो फोटोशॉप पे इसको एडिट करके दिखाऊंगा, देखूंगा कि क्या किस तरह की लगती है। और फ्रंट के लिए एक और नंबर प्लेट बनवानी है मैंने, पंजाब वाली नई वाली वाइट कलर की ना, ताकि वो भी ज़बरदस्त हो जाए, अभी तो फिलहाल नंबर प्लेट उतार के मैंने अंदर रखी हुई, और फ्रंट वाली थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, तो इसलिए वो भी इंशाल्लाह बनवानी है, बट वो थोड़े दिनों तक बनवाएंगे, इतना खर्चा इकट्ठा नहीं कर सकते ना। सो जी गाड़ी का काम वगैरह हो गया और टाइम हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं, रात के नहीं शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है, और काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आप लोगों को मैंने फ्रंट से लुक दिखा दी है गाड़ी की, अभी भी ये फाइनल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर प्लेट का होल्डर और नंबर प्लेट अभी नहीं लगी, जो कि लगानी बाकी है, और नंबर प्लेट वाला जो होल्डर है उसको मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट इंशाल्लाह करना है ताकि वो भी फ्रेश हो जाए, ताकि फ्रंट से ज़बरदस्त किस्म की एक जो कहते हैं ना लुक निकल आए, और इसकी जो है वो कटिंग क्रीम भी कंपाउंड वगैरह कंपाउंड और वो पॉलिश वगैरह करवानी पड़ेगी, क्योंकि नया पेंट है उसके अंदर, अब ऑब्वियसली ये उसके अंदर तो नहीं हुआ, वो भट्टी जिसे कहते हैं भट्टी के अंदर तो नहीं हुआ, तो इस वजह से गंद वगैरह तो है इसमें, तो वो सफाई वगैरह करवानी पड़ेगी इसकी,
तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट वो मैं इससे नहीं करवाऊंगा, इंशाल्लाह वो कहीं और से करवाऊंगा। और जो है वो अभी भी फाइनल नहीं है, इंशाल्लाह नंबर प्लेट बनवाने के लिए देनी है, नंबर प्लेट नहीं बनवाएंगे बट ओरिजिनल वाली लगवाएंगे, ब्लैक या उस तरह की नहीं लगवानी। और उसके बाद जो है आप लोगों को एक फाइनल लुक मैं किसी और आगे वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और ये आप लोगों को ये जो हमारा थोड़ा सा जो काम था गाड़ी का, वो आप लोगों को कैसा लगा, दो वीडियोस बनाई इसके ऊपर मैंने, और कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेंट अभी भी फ्रेश है तो इसलिए एहतियात से मैं लेके जा रहा हूँ, रोड पे आगे पानी आ गया है बट खैर है, हम बचा के निकाल लेंगे। अच्छा तो बाकी ये है कि चैनल पे बने रहे, इंशाल्लाह मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। और आगे अभी घर का काम ये है कि वो प्लाट के ऊपर जो है ना वो गेट लगने वाला रहता है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल या परसों तक जो है ना वो मजदूर जो हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो गेट भी लेके लेने के लिए जाना है और ला के फिर लगाना भी है। तो इंशाल्लाह मज़े की वीडियोस आप कह सकते हैं कि सीरीज़ में आने वाली है इंशाल्लाह। और अभी भी दो वीडियोस मेरे मोबाइल के अंदर एडिटेड तो नहीं कह सकता बट रिकॉर्डेड पड़ी हैं और उनको एडिट करने वाला है, इतना टाइम नहीं मिल रहा, असल में यूनिवर्सिटी का काम होता है, स्टडी वगैरह होती है और बीच में फिर ऐसे काम निकल आए तो फिर वो एडिट वगैरह का टाइम नहीं निकलता, तो वो थोड़ा सा पेंडिंग में जा रही है बट इंशाल्लाह मैं आज या कल तक वो भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इस तरह की किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।